परमवीर भीमसेन को रास्ते में एक पर्वताकार विशाल मानव दिखाई पड़ा। उसे देखकर भीमसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जब भीमसेन को देखा तो प्रसन्न हो गया। घटोत्कच, मुझे शक्ति देवी के सामने नर बलि देने के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता है। भीमसेन, मैं तैयार हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। घटोत्कच, आश्चर्य, घोर आश्चर्य, तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं? भीमसेन, ऐसा ही समझ लो। घटोत्कच, अच्छी बात है, बड़े हुष्ट पुष्ट हो। इतनी अच्छी बलि पाकर माता और देवी मां दोनों प्रसन्न हो जाएंगी। आओ आओ, मेरे साथ चलो। भीमसेन बिना कुछ कहे घटोत्कच के साथ चल पड़े। कुछ समय के पश्चात दोनों घटोत्कच की माता हिडिंबा के सामने खड़े हो गए। घटोत्कच, माते, देखिए देवी मां को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम बलि लेकर आया हूं। घटोत्कच की माता हिडिंबा ने जब सामने अपने स्वामी को देखा तो वो भूली नहीं समाई। घटोत्कच, पिताश्री प्रणाम, आज आपके दर्शन हुए, मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं। भीमसेन, तुम जिस किसी भी मनुष्य की बलि चढ़ाती वो भी किसी का स्वामी या पिता ही होता। क्या तुम्हें कभी देवी ने किसी बलि को चढ़ाने के लिए नहीं कहा? अंधविश्वास से जन्म लेने वाली ये एक अनुचित प्रथा है, जिससे किसी के प्राण चले जाएं वो प्रथा सिर्फ पाप कराती है। कोई देवी या देवता किसी के प्राणों की बलि से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि अच्छे कर्म करने से प्रसन्न होते हैं। बलि चढ़ाना महापाप है। पिताश्री, मुझे भी क्षमा कीजिए। भीमसेन, तुमने अपने माता के आदेश को मानकर पुत्र धर्म का पालन किया। बहुत समय के बाद मैं अपने पुत्र को अपने समीप देख रहा हूं। आओ पुत्र, मुझे गले से लगा लो, अपने विशाल आकार को छोटा कर दो। घटोत्कच, जैसी आपकी आज्ञा। घटोत्कच ने अपने शरीर आकार को कम कर दिया और पिता के समकक्ष बनकर उन्हें गले से लगा लिया। हिडिंबा भी अति प्रसन्न हो गई। भीमसेन ने अपने पुत्र और धर्म पत्नी के साथ कुछ समय बिताया और बहुत सारी बातें की। भीमसेन, हिडिंबा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भविष्य में कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध होने वाला है। पुत्र घटोत्कच परम बलशाली है, उस युद्ध में इस वीर की आवश्यकता पड़ेगी। घटोत्कच, पिताश्री, मैं आपका ही पुत्र हूं, किसी भी युद्ध में मैं आपसे आगे बढ़कर युद्ध लड़ना चाहता हूं। पांडवों की तरफ से आने वाले हर अस्त्र शस्त्र का मुकाबला करना चाहता हूं। मेरा जीवन आप लोगों के काम आए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? पिताश्री, युद्ध के समय मुझे अवश्य याद कीजिए, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। पुत्र घटोत्कच, मुझे तुम पर गर्व है। हिडिंबा, अब मुझे जाने दो, मेरे बच्चे, समय आने पर तुम लोगों को जरूर मिलूंगा। भीमसेन हिडिंबा और घटोत्कच से विदा लेकर आगे चल पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण को घटोत्कच की याद आ गई। श्री कृष्ण, हे अर्जुन, अब सही समय आ गया है। हम भीम के महाप्रक्रमी पुत्र घटोत्कच को युद्ध के लिए बुलाए। वो बहुत शक्तिशाली है। वो कौरवों की सेना पर वज्र बनकर टूट पड़ेगा। आप सबको घटोत्कच का प्रणाम स्वीकृत हो। पिताश्री, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, आप आज्ञा दीजिए, मैं दुश्मन की सेना को नष्ट करने के लिए उतावला हो रहा हूं। पुत्र घटोत्कच, अब मैं तुम्हारे युद्ध कौशल और वीरता देखना चाहता हूं, तुम यथाशीघ्र दुश्मन पर थावा बोल दो। अपने पिता की आज्ञा पाते ही घटोत्कच ने कौरवों की सेना पर थावा बोल दिया। उसके मुख से दानावल के समान भयानक अग्नि निकल रही थी, जो दुश्मन की सेना पर बरसने लगी और दुश्मन की सेना पर
अस्त होने लगी। वो जिस तरफ मुड़ जाता अग्नि ही अग्नि बरसती रहती। कौरव सेना के पांव उखड़ने लगे। कर्ण के बाणों को घटोत्कच ने अपने हाथों से पकड़कर हंसकर तोड़ दिया। कर्ण सारे जतन करके परेशान हो गया। ये सारे हथियार मेरे सामने छोटे खिलौने जैसे हैं, मैं सारी सेना को नष्ट कर दूंगा। कर्ण ने घटोत्कच पर गदावार फेंक दिया। घटोत्कच ने गदे को पकड़कर हवा में उछाल दिया। कौरव के सारे अस्त्र उस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे थे। घटोत्कच अपने पर्वताकार शरीर और विशाल हाथों से कौरव सेना का सर्वनाश कर रहा था। उसने देखते ही देखते कौरव की आधी सेना का सफाया कर दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, इस पर किसी अस्त्र का असर नहीं हो रहा। इस पर तुम सबसे बड़े अस्त्र अमोघ का प्रयोग करो। अमोघ अस्त्र से ये मर सकता है। मित्र, वो अस्त्र तो अर्जुन के वध के लिए है, उसका प्रयोग सिर्फ एक बार किया जा सकता है। तुम जीवित बचोगे तब तो अर्जुन से लड़ोगे। तुम्हारा ये मित्र स्वर्ण लोक पहुंच जाएगा। तुम अपने अमोघ अस्त्र को रखे रहना। मित्र, कैसी बातें कर रहे हो? मेरे होते मेरे मित्र को मृत्यु नहीं आ सकती। मेरे मित्र की इच्छा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं अभी भीम पुत्र का वध करता हूं। कर्ण ने उसी समय आग बंद करके अमोघ अस्त्र का आह्वान किया। वो दिव्य अस्त्र उसके हाथों में आ गया और उसने घटोत्कच पर चला दिया। वीर घटोत्कच के सीने में अस्त्र लगते ही बड़ी तीव्र गर्जन हुई। पुत्र घटोत्कच, तुम सचमुच महावीर हो। कौरव सेना पर गिरते हुए दुश्मन का दिल दहला दो। जो आज्ञा पिताश्री। वो महावीर तेज गर्जना करते हुए कौरव की सेना पर गिर पड़ा। भीम को अपने पुत्र की वीरता पर गर्व तो हुआ, लेकिन उसके मृत्यु का बड़ा कष्ट भी हुआ। वीर घटोत्कच ने वीरों की भांति वीरगति प्राप्त की और अपने काका श्री अर्जुन के प्राण सुरक्षित कर दिए। पांडव ने वीर पुत्र घटोत्कच का अंतिम संस्कार करते हुए कौरवों को युद्ध में हराने का संकल्प ले लिया।